बुनकर नेता नदीम अंसारी वजही अंसारी बुनकर नेता की अगुवाई में धरना जारी। बुनकरों का लूम का फ्लैट रेट, बिजली व्यवस्था हुई खत्म। टांडा का बुनकरों का व्यवसाय बर्बाद होने के कगार पर भाजपा पार्टी को बुनकरों को जाता है वोट। 2017 से टांडा में खत्म हुई फ्लैट रेट। यूपी का अम्बेडकर नगर जिला बुनकर द्वारा तैयार किए जाने वाले वस्तुओं के लिए जाना जाता है, लेकिन वर्तमान की भाजपा की सरकार में बुनकरों का व्यवसाय संकट में आ गया है। इसी को लेकर टांडा के बुनकर अब धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। बुनकरों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। बुनकरों की मांग को देखते हुए आज दस्तक भारत टीवी संवाददाता ने बुनकरों की समस्या को अपने सहयोगी आशीष चौरसिया के साथ जानने का प्रयास किया। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। देख रहे हैं दस्तक भारत, प्रफुल्ल श्रीवास्तव के साथ अम्बेडकर नगर से। मैं यहाँ मौजूद हूँ बुनकरों की समस्या को लेकर बैठे हुए बुनकर नेता नदीम अंसारी, उनके साथ में कई समस्याएं हैं। बुनकरों का फ्लैट रेट किया गया था अखिलेश सरकार में, अखिलेश सरकार ने बुनकरों को सुविधा मुहैया कराई थी फ्लैट रेट, जो एक मुफ्त रकम थी, जो योगी सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दिया। बुनकर आज भुखमरी के कगार पर है, उनके लूम लक्कड़ पूरी तरह बंद हो चुके। बुनकर एक ऐसा समाज है जो टांडा एक ऐसा बुनकर समाज माना जाता है जो पूरे मुल्क में एक शख्सियत के रूप में जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं नदीम अंसारी से, क्या मामला है इनका? पूरा मामला है अधिशासी अभियंता, यहाँ के एक्शन ने अपशब्द कहे बुनकरों को, बुनकरों को फ्लैट रेट न देने की बात कही, और कई मामले हैं, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जो आरपिन वगैरह की है आरपिन को काट दिया जा रहा है, आरपिन वाले को इसलिए काटा जा रहा है कि उनको कहा जा रहा है कि तुम बुनकर में नहीं हो। हम बात कर रहे हैं नदीम जी, बजमी जी आप बताएं क्या मामला है पूरा? देखिए पूरा मामला ये समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से ना ही कोई भी शासनादेश है और ना ही किसी तरीके का कोई कमिटमेंट है। यहाँ के स्थानीय एक किलो वाट को कमर्शियल में कर दिया है, ठीक है, बगैर किसी साधना हमको जानकारी। अगर कोई ऐसा सरकार की तरफ से कोई शासनादेश है तो सबसे पहले हमको दिखाना चाहिए, ठीक है। मैं उपभोक्ता हूँ, मुझको दिखा, अगर मुझे कनेक्शन लेना होगा तो देंगे, नहीं जा रही नहीं लेंगे। लेकिन ये सारा मामला SDO अपने स्तर से कर रहे हैं, धन उगाही का पूरे गलिया बनाए हुए हैं। मतलब बुनकरों का जो है इस समय विद्युत विभाग शोषण कर रहा है जबरदस्त। बिहार भर लिखा है, पहले बताओ बिहार भर लिखा है, कुछ दिनों में लिखा है, मजबूरन हम लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। तो इस मामले को लेकर क्या उच्च अधिकारियों तक आपकी बात हुई है? उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई है, हमारे पास मैसेज भी आ जाया है, हमने कहते MLC अशोक धवन जी को भी फोन किया है और हथकरघा प्रमुख सचिव रमा रमण जी को भी इस संबंध में जानकारी दी है। तो यहाँ मैसेज भी आया है, हो सकता है इस पर आज ये कार्रवाई करें। सवाल यह है, क्या कहते हैं आपके बुनकरों की रहनुमाई कई बार मुख्यमंत्री जी से की गई, अशोक धवन जी कर, सवाल यह है कि बैठकों पे बैठक हो रही है और निस्तारण कुछ नहीं हो रहा है। आज आपको अंतिम पे बैठना पड़ा, क्या नतीजा है? सिर्फ बैठक बेनतीजा ही हो रही है, बुनकरों सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है, हम आश्वासन पर ये भी चल रहे हैं जी। अब देखते हैं क्या होता है, क्या स्थिति है इस समय बुनकरों की? इस समय हमें जो प्राप्त जानकारी है ये है कि कदबो जो हम लोगों के बीच बुनकरों की क्या स्थिति है, बुनकरों का लूम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम जानना चाह रहे हैं। की स्थिति बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, जितना चल रहा है उसका कई गुना वो कर्जदार हो चुके हैं। अगर आज की डेट में भी सोल्यूशन निकल आता है तो मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव दस्तक भारत से, किसान हम बात कर रहे हैं टांडा विद्युत उपकेंद्र पर बुनकरों का फ्लैट रेट की मांग कराए जाने को लेकर आंदोलन कर रहा है। हम इस पर बात कर रहे हैं सपा के छात्र सभा के अध्यक्ष चंद्र बहादुर यादव जी से, जो अखिलेश सर माननीय मुलायम सिंह यादव की 2005 की सरकार ने फ्लैट रेट किया था, किसानों का एक मुफ्त रेट कर दिया था, हम उस विषय में बात करना चाहें। आज योगी सरकार ने पूरी तरीके से फ्लैट रेट खत्म कर दिया, आज फ्लैट रेट की मांग को लेकर बुनकर अनशन पर है। सपा के छात्र सभा के पूर्व अध्यक्ष चंद्र बहादुर का क्या कहना है? क्या देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार जो माननीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई गई, उस व्यवस्था को बहाल रखा लगातार, और लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस फ्लैट रेट को समाप्त कर दिया।
और लगातार बुनकर हमारे कोरोना काल में लगातार भुखमरी की कगार पर आ गई। बुनकरों के प्रतिनिधिमंडल को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई बार बुलाया और उनसे बात भी किया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन सारी चीज़ों को लेकर के और इसी की आड़ में मैं टांडा में, जहाँ तक विशेषकर टांडा की बात है, यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा लगातार उत्पीड़न किया जाता है। आप बताओ, किसान खेत में होते हैं, थानों के धमकी के नाम पर वसूली की जाती है, बुनकरों के बिजली काटे जा रहे हैं, और इससे ज़्यादा ही नहीं, ये तो बुनकरों की समस्या है। जहाँ तक बिजली विभाग की समस्या है कि जो इन्होंने एक अटल ज्योति योजना नाम रख दिया, नाम ही बदलते हैं, काम तो इनको करना नहीं है। इन्होंने अटल ज्योति योजना रखा, राजीव गांधी योजना को, और उसके तहत जो गांव में कनेक्शन दिए, मीटर टांग दिए, कनेक्शन नहीं हुए, और किसी के 40,000, किसी के 50,000, किसी के 60,000 लगातार बिल आ रहे हैं। और बिल आने के बाद जब किसान जाता है तो उसके FIR की धमकी दी जाती है किसान को, और उससे वसूली की जाती है इस तरीके से। और हद तो तब हो गई जब यहाँ के XCN, ये मेरे पास अप्लीकेशन है, यहाँ के XCN ने मोहम्मद नदीम अंसारी, जो मुबारकपुर का है, जब ये बात करने गया तो यहाँ XCN ने बुनकरों को चोर कहा। बताइए, सब चोर हैं, और ये सब दिन भर चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है, और धमकी दी जाती है बुनकरों को, उत्पीड़न हो रहा है। हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं कि बुनकरों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है इसको समाप्त किया जाए, और फ्लैट रेट को सरकार को तत्काल बहाल कर। आपको क्या लगता है, बुनकरों की सबसे बड़ी दुश्मन तो नहीं है योगी सरकार? एकदम नहीं, बुनकर की छोड़ो, आप किसान की स्थिति देख लो, कि जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। हमारे देश में किसान को देवता कहा गया, अन्नदाता है। आप बताओ, उन किसानों के साथ आज लगातार 62 दिन हो गए आंदोलन के, और 62 दिन के बाद भी इस सरकार को सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये सरकार किसान बिल को वापस लेने का नाम नहीं ले रही है। बुनकर की छोड़ो, किसानों की स्थिति खराब है, नौजवानों की स्थिति खराब है, बेरोजगारी की स्थिति यह है, कानून व्यवस्था की स्थिति है। ये सरकार हर मामले में फेल है, ये सरकार जुमले वाली सरकार है। हम ये जानना चाह रहे हैं, अखिलेश सरकार, माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार 2005 में थी, बुनकरों का फ्लैट रेट कर दिया गया था, क्या सपा की सरकार आने वाले दिनों में बनती है तो क्या फ्लैट रेट बहाल किया जाएगा? 100% अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बनेंगे, और बनेंगे, निश्चित बनेंगे, क्योंकि गांव का किसान, मजदूर, बेरोजगार आज वो समय याद कर रहा है जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। सारे लोग अखिलेश जी को अगला सीएम देख रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो फ्लैट रोड निश्चित रूप से बहाल होगा, किसान नौजवान को। सवाल ये है, क्या कहते हैं, बुनकर का नेता नदीम अंसारी बचमी आज अनशन पर बैठा हुआ है, हाइडिन बैठा हुआ, इस पर क्या कहना चाहिए? आप उनका समर्थन करते हैं? एकदम पूरा समर्थन करते हैं लोग, मतलब उनकी मांग जो चरो मरो की है, क्या उसके साथ आप? एकदम, समाजवादी पार्टी उनसे 2 कदम आगे आके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएगी, इस आंदोलन में साथ रहेगी। बुनकरों के साथ कई बार क्या कहते हैं बातचीत की, लेकिन इस तरह कुछ नहीं हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब ये सरकार की, आपको लगता है धोखा दे रही होगी सरकार? एकदम सरकार धोखा क्या दे रही है, सरकार बेवकूफ बना रही है पूरी तरीके से। धोखा देने की तो दूर की बात है, सरकार बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, ठगने का काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि योगी मोदी सरकार IB उसके हाथ में थी, उसके बावजूद भी लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है साजिश कर रही है मोदी सरकार? 100% ये झंडा फहराने वाला कोई किसान नहीं था। झंडा फहराने वाली की फोटो सोशल मीडिया पर आप देख लें कि सोशल मीडिया पर उसकी फोटो देश की प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया पर उसकी फोटो देश के गृहमंत्री के साथ दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया पर उसकी फोटो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी, उनके पति धर्मेंद्र जी के साथ दिखाई दे रही है। अच्छा, जो लगातार झंडा जो फहराया है वो आपको लगता है मोदी का भक्त है? अरे अगर है नहीं संबंध है तो उसकी फोटो कहाँ से दिखाई दे रही है? उसकी फोटो भाजपाइयों के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ फोटो दिखाई दे रही है। और ये काम किसान कर ही नहीं सकता है, ये सरकार किसानों को बदनाम करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, पुलवामा में हमला उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? गाड़ी कहाँ से आई, RDF कितना कहाँ से आया, गाड़ी आज तक सरकार वो जांच नहीं कर पाई। ये सरकार को जो खुलासा नहीं करना होता है उसकी जांच नहीं करती है, और कोई बात होती है तो सरकार 2 मिनट में आरोप लगा देती है। इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी है, दिल्ली का मुख्यालय है, IB है उसके पास, उसके बावजूद भी लाल किले पर झंडा फहरा दिया। इस तरीके से फेल है ना ये सरकार, हर तरीके से फेल है सरकार। यही देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे देश के सीमाओं से अंदर आतंकवादी कैसे आता है? ये जवाब यही सरकार की है,
तो देश आज तक पूछ रहा है कि पुलवामा में जो हमला हुआ वो आरडीएक्स कहां से आया, किसकी गाड़ी थी, कैसे आई, और हमारे जो 40 जवान शहीद हुए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक उसका हिसाब नहीं दे पाए। पूरा देश जानना चाहता हूं। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं किसानों का, किसान के रूप में एक उग्रवादी वहाँ पर क्या कहते हैं झंडा फहरा दे रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसान ऐसा कर ही नहीं सकता है। सरकार किसानों के आंदोलन को दबाना चाहती है, मतलब किसानों के आंदोलन को दबाना चाहती है। और क्या, इस सरकार के खिलाफ जो बात करे उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। ये सरकार किसान के आंदोलन को दबाना चाहती, पूरी देश सरकार की साजिश है। हम इसकी मांग करते हैं कि इसकी जाँच होनी चाहिए, साजिश किसने किया। ये साजिश देश का जो गृह मंत्री है वो जगह जगह दंगे फैला, बताओ बंगाल में दंगा फैला दिया, जहाँ जाता वहाँ दंगे करा, चुनाव आता तो दंगे करवा देता है। जांच करवानी चाहिए, गृह मंत्री पूरी तरीके से फेल है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। योगी सरकार कहती है अखिलेश सरकार के नुमाइंदे इकलीस सरकार के साथ चलने वाले गुंडे और माफिया हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन गुंडा माफिया है? इसी जिले में अभी एक महरुआ थाने में हत्या है, उसके मुंह में पेशाब तक कर दिया गया। इसी जिले में जो है अभी देखिए दो दो सगे भाइयों की एक हत्या का खुलासा ये सरकार नहीं कर पा रही। बलिया के अंदर सरेआम पुलिस के सामने दौड़ा के गोली मार दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब आपको लगता है एसपी यहाँ का पूरी तरह कानून व्यवस्था में फेल है? पूरी तरीके से फेल है एसपी यहाँ का, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था फेल है यहाँ का। एसपी अगर सफल है तो एक मामले में सफल है, अगर किसान अपने घर से आंदोलन करना चाहता तो उसको उसके घरों में कैद किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को घरों में कैद किया जाता है, लोगों को, किसानों को निकलने नहीं दिया जाता। आप बताओ पेट्रोल पंप पे तेल नहीं दिया गया? अगर किसान को अपना काम करना हो तो पंप पे तेल देने की मनाही कर दी गई। इससे बड़ी गुंडागर्दी और क्या हो सकती भाई? इस देश के अन्नदाता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लाल किले पर जो किसान मरे हो उनके लिए क्या मुआवजा मांगे? उनके लिए हम मांग करते हैं कि उनको पूरा मुआवजा दिया चाहिए, सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और किसान बिल को तत्काल वापस लेना चाहिए। और हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी साथ। नमस्कार। किसानों के आंदोलन बेबाक बोल रहे थे चंद्रबाबू यादव, जो पूर्व छात्र सभा अध्यक्ष है। किसानों के जो मौत हुई है लाल, उन पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर पूरी तरह समर्थन करें। दूसरी बात यह है कि बुनकरों की जो मांग हो रही है हाईडील में, उसको लेकर भी असमर्थन कर रहे हैं, या अधिशासी अभियंता पर जो अपशब्द बुनकरों के खिलाफ कहें उनको लेकर भी मुकदमे की बात कह रहे हैं। आने वाले दिन में मुखालफत तो एक तरीके से देखा जाए योगी सरकार की, अगर कोई पूरी तरीके से कर रहा है तो वो, अगर कोई है तो अखिलेश सरकार को नुमाइंदे करने वाले ही है। इनके आंदोलन को चलने के लिए पूरी तरीके से अगर देखा जाए विपक्ष की भूमिका में अखिलेश सरकार ही दिख रही है, ये पूरी तरह इनका मानना है। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव दस्तक भारत से, नमस्कार। अम्बेडकर नगर से प्रफुल्ल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।